लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक और मूवी आने वाली है और उसकी हर मूवी की तरह ये भी एक क्लासिकल सी मूवी होगी। इस मूवी का नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ये वेस्टर्न क्राइम ड्रामा स्टाइल मूवी होगी जो 3 घंटे 30 मिनट की होने जा रही है। आईएमडीबी पे वैसे इसकी रेटिंग अभी 10/10 आ रही है, मगर यार आईएमडीबी की रेटिंग पे नहीं जाते होते, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो अक्सर पे करके भी ये रिव्यूज हासिल कर लेते हैं। खासतौर पर जब मूवी रिलीज हो जाती है ना, तब आईएमडीबी की जो रेटिंग होती है वो कुछ ओरिजिनल पिक्चर देना शुरू करती है। तो अभी आप 10 पे ना जाएं, आगे हमको सिखा रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि यार ये मूवी जो आने वाली है ये इसका कोर कॉन्सेप्ट किस नोवेल से लिया गया है और ये मूवी अच्छी होने भी जा रही है कि नहीं होने जा रही, क्या लियोनार्डो डिकैप्रियो का ये जो न्यू प्रोजेक्ट है जिसका बजट $200 मिलियन है जो कि एप्पल टीवी पे प्रीमियर किया जाएगा, क्या ये हिट होगा, क्या ये एक फेल प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यार ये ट्रू नोवेल बेस्ड स्टोरी है जो कि डेविड ग्रांट की बुक से ली गई है। ये जो बुक है ये 2017 में पब्लिश हुई थी और ये बेस्ट सेलिंग बुक है इस ऑथर की। और इस बुक के अंदर द बॉर्न ऑफ एफबीआई को भी एक्सप्लेन किया गया कि उस जमाने में, ये बेसिकली 1920 का दौर दिखाया जाता है जब ऑयल निकलते। चले हम इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी हम इस मूवी के डायरेक्टर हैं मार्टिन जो कि 80 साल के बाबा जी हैं, लिटरली इटालियन डायरेक्टर है। अब आपको लग रहा होगा 80 साल का बाबा डायरेक्ट कैसे करता है, चलते जरा रुको मैं आपको बताऊं कि यार ये जो डायरेक्टर है इसने आयरिशमैन, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी मूवीज, मेगा मूवीज को डायरेक्ट किया हुआ है। तो मतलब कि यार बंदा चाहे 80 साल का हो, एक्सपीरियंस बहुत है बंदे का और वो ऐसी हिट मूवीज बना सकते हैं। और अगर अब हम चले मूवी की कास्ट के अंदर, तो मूवी की कास्ट में बहुत बड़े बड़े बिग मेगा स्टार्स को लिया गया है और उसके अंदर सबसे पहले डायरेक्टर साहब खुद भी इस मूवी के अंदर अपना कैमियो देंगे। और इसके बाद अगर आप कास्ट में चलें तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को लिया गया और इस 48 साल के एक्टर को कौन नहीं जानता है हम आज की दुनिया में। टाइटेनिक में आप सभी ने इसको देखा होगा और क्या कहते हैं इंसेप्शन जैसी फिल्म में भी ये अपना किरदार अदा कर चुके हैं, द ग्रेट गैट्सबी में आपने इसको देखा है। तो इनकी जो भी फिल्म होती है वो ग्रेट होती है। अब देख अगले कास्ट मेंबर की तरह तो रॉबर्ट डी नीरो है, आपने इनको आयरिशमैन, द इंटर्न जैसी मेगा फिल्म्स के अंदर देखा हुआ है। अगर हम इस फिल्म की एक्ट्रेस की बात करें तो उनका नाम है लिली ग्लैडस्टोन। इन्हें कोई खास बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो रोल है क्या कहते हैं द नेटिव अमेरिकन का, और द नेटिव अमेरिकन का जो रोल है ट्रेलर से तो यही नजर आ रहा है कि इन्हें बहुत ही अच्छा निभाया है। चलो अब हम चलते हैं कि इस मूवी में आखिर होने क्या जा रहा है। तो ये मूवी जो है वो 1920 नॉर्थ ईस्टर्न ओक्लाहोमा की कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिधर एक बंदा जो है वो एक लैंड खरीदता है बेसिकली, और सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये इसने कौन से नेटिव अमेरिकन एरिया के अंदर अपना लैंड खरीद लिया है, मतलब इतना बंजर इलाका। और वो बंदा जो होता है वो बहुत जीनियस होता है, वो रॉबर्ट डी नीरो, उसकी यार एक्टिंग इतनी कमाल है। और फिर वो दिखाया जाता है कि उसको पता होता है कि इस जमीन के नीचे ऑयल है और नेटिव अमेरिकन को काफ़ी जॉब्स मिलती हैं, वो सब उस इलाके के अंदर माइनिंग शुरू कर देते हैं और वहाँ पे ऑयल निकल आता है। ऑयल के निकलने से पूरा जो इलाका होता है वहाँ पे पैसे की बारिश होना शुरू हो जाती है। और कहने वाले कहते हैं ना पैसा जो है वो बुराई को खींचता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था उस ज़माने में, क्योंकि ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है 1920 के अंदर जब वहाँ पे ऑयल निकला और वो इलाका पैसे में रच बसना शुरू हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मर्डरर्स आना शुरू हो गए और वो नेटिव अमेरिकन को मारना शुरू हो गए। तो काफ़ी सारी जब वहाँ पे डेथ्स होती हैं, एक तरफ यहाँ पे डेथ्स हो रही हैं, दूसरी तरफ रोमांटिक सीन चल रहे हैं हमारे लिली ग्लैडस्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो बॉय के, मतलब काफ़ी आपको सीन्स दिखाए जाएंगे। ये बेसिकली आर रेटेड फिल्म है, उसमें काफ़ी सारे किलिंग सीन्स होंगे जो शायद बच्चों के लिए देखने के लिए ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन खैर बड़ों के लिए एक बहुत क्लासिकल मूवी है। फिर ऐसा होगा कि जब इतनी डेथ्स हो रही होंगी और उनकी कोई वजह नहीं होगी तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएंगी कि यार ये कर कौन रहे, और जो भी यार इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा होगा कि कौन आखिर मार रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है वो भी कत्ल हो जाया करेगा। मतलब नॉर्थ ओक्लाहोमा के अंदर इतना बुरा टाइम चल रहा था, एक तरफ ऑयल निकल रहा है, दूसरी तरफ मर्डर्स हो रहे हैं और मर्डर्स कौन कर रहा है किसी को कोई पता नहीं। तो एक यंग चीफ न्यूयॉर्क में लगते हैं एफबीआई के, और वो काफ़ी एनर्जेटिक से होते हैं और वो बेसिकली एफबीआई का ना बॉर्न वाला दौर है जब एफबीआई नई नई बनी थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम जाते हैं, वो एक सीक्रेट मिशन करते हैं, मतलब यहाँ पे अपने एजेंट्स भेजते हैं ताकि वो सब देखें कि ये आखिर चल क्या रहा है इस इलाके के अंदर, कौन है जो मर्डर कर रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो के इस मूवी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा
और 1920 की फुल वाइब दिखाई गई है इस ट्रेलर के अंदर। अगर आप मेरा वर्डिक्ट लेना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर 2023 में आने वाली ये जो मूवी है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आपको इसके लिए जरूर एक्साइटेड होना चाहिए और जरूर देखनी भी चाहिए। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा? काइंडली सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।